अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम योर फ्रेंड कुरतुलैन तरीन, डॉटर ऑफ अब्दुल अजीज़। मैं आज आपके साथ जो रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। बिलीव मी गाइस, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो जो विंटर जैसे ही जैसे आते हैं, आपके हाथ पैर बिल्कुल ड्राई होने लग जाते हैं, और सम टाइम तो कुछ पर्सन के ऐसे पैर हो जाते हैं कि दिखाने काबिल नहीं रहते, एड़ियाँ फट जाती हैं और हाथों पर बुरे बुरे निशान पड़ जाते हैं। और हाथों की जो शाइनिंग हमारी होती है और जो हमारे हाथों का कलर बिल्कुल साफ होता है, विंटर आते ही वो रूखा हो जाता है। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ों से रेमेडी बनाऊँगी। लेट स्टार्ट नाउ। ओके गाइज, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिए हैं इवोन के कैप्सूल, मैंने मैक्सिमम 5 लिए हैं, और आपको सेकंड टैबलेट नज़र आ रही होगी। और ये टैबलेट आज तक आप लोगों को किसी ने भी यूज़ करना नहीं बताई होगी, पर मैं आपको बता रही हूँ। और बिलीव मी गाइस, इसको यूज़ करने से आपके हाथ पैरों का जो कलर होता है ना, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, स्पेशली पैरों की एड़ियों का, जो बहुत ज़्यादा भद्दी और बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। जो हम बाज़ार के ट्यूब्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, उससे भी हमारे पैर ठीक नहीं होते। ये विटामिन की टैबलेट है, जो बॉन्स में पैन होता है उसके लिए यूज़ होती है। मैं आपको ब्रांड का नाम नहीं बता सकती, सॉरी, पर आप ये किसी के भी ब्रांड की ले सकते हैं, पर मैं आपको इसकी एमजी बता देती हूँ। ये हमें चाहिए या तो 500 की या फिर 1000 की, पर 500 की अगर आप लेंगे तो आप, अगर इवोन के कैप्सूल 5 ले रहे हैं तो उसको आप 6 की यूज़ करेंगे। मैंने 500 की ली है तो मैंने 6 की यूज़ की है। और फर्स्ट एंड फॉल आप ये, बस आपने ये देखना है गाइस कि ये एक्सपायर्ड ना हो, ठीक है। और सेकंड जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो है कॉफ़ी जी। और ये अगर हमने 5 लिए हैं, ये 6 लिए हैं, तो हम कॉफ़ी का 1 स्पून लेंगे। और सेकंड थिंग हम ये लेंगे, ये एक शैम्पू है, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, पर आप ये देख रहे हैं किसके ऊपर ये कैप्सूल ही हैं, यानी मतलब इसमें कैप्सूल का जेल ही ऐड हुआ हुआ है, तो मैं ये ले रही हूँ। ये सिंपल एक है, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, इट्स योर विश। अच्छा, ये भी 1 स्पून है, ठीक है। और ये है रोज़ वाटर, ये हम ऐड करेंगे। वैसे तो 1 स्पून ऐड करना है, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और इसको जो हब हम बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे, डेफिनेटली इसका तो हम जेल डाल देंगे, पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम पीसेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह। देखिए गाइस, मैंने ये जो है टैबलेट अपनी बिल्कुल तोड़ ली है, शायद आपको क्लियरली दिख नहीं रही होंगी, वाइटनेस बहुत हो रही है, ठीक है। और अब मैं इसमें इवोन का कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। आपको मेजरमेंट याद है ना, ये 6 थी टैबलेट्स और ये हम 5 लेंगे, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें जेल आ रहा है, असल में वाइटनेस ज़्यादा हो गई क्योंकि मेरा जो बॉल है वो भी वाइट है और टैबलेट भी वाइट। ये देखें सेकेंड, अच्छा अब थर्ड लेंगे, आफ्टर देन 4 और 4। ये देखिए, ये हमारा 5 आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है, ये 5 हमने ऐड कर दी और ये जो हमने टैबलेट हमने पीस ली थी, पर हम इसमें एक जो है बिल्कुल साबुत एक टैबलेट और एक टैबलेट और ऐड करेंगे। और अब हम इसमें अपनी कॉफ़ी भी ऐड कर देंगे। देखिए गाइस, मैंने कॉफ़ी भी ऐड कर दी है और जो है टैबलेट भी मैंने डाल दी है, आपको नज़र आ रही होगी। और कॉफ़ी में आपको ये पीसेस नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने इसको कॉफ़ी को साथ डार्क करके डाला है, मतलब कॉफ़ी को मैंने पहले एक तरह से जमा लिया था। आपने देखा था साशी का मेरा जो रेपर है वो खुला हुआ था, इस तरह मुझे चाहिए इसको, क्योंकि हम जब डीप वाटर में डालेंगे इसको तो ये ऐसे बिल्कुल खुश्क होगी, जिस तरह ये ड्राई होती जाएगी इस तरह पैरों में जो मेल होता है वो हटता जाएगा। अब इसमें हम शैम्पू ऐड कर लेते हैं, फिर रोज़ वाटर ऐड करेंगे। देखिए गाइस, इसमें शैम्पू भी ऐड हो गया है, कॉफ़ी भी ऐड हो गई है, इवन के कैप्सूल भी ऐड हो गए हैं, टैबलेट भी ऐड हो गई है और रोज़ वाटर भी ऐड हो गया है। आखिर में देखें ये कलर आएगी इसकी, और ये जो टैबलेट है इसको डिजॉल्व होने में इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखें, देखिए हमें, आप मेरे हाथ पर देख सकते हैं, मेरे हाथों का कलर, फेस का कलर आ रहा है। इसका हमें वेट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक, जब ये 30 मिनट्स तक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप देखें इसमें जो बिल्कुल ये है डार्क हो गया है कलर, ये देखिए बिल्कुल। फिर इसमें मैं आपको अप्लाई करना बताऊंगी, बस इसको 30 मिनट्स तक छोड़ देना है बिल्कुल एज इट इज़। ये देखिए, ये देखिए इसमें लम्स बनना शुरू हो गए हैं, और ये जो हमारी टैबलेट है ये भी ऑलमोस्ट घुलने ही वाली है। मैं आपसे मिलती हूँ 30 मिनट्स बाद।
देखिए गाइस, हमारी जो रेमेडी थी बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। कहीं कोई इसमें टैबलेट भी नज़र नहीं आ रही और कॉफ़ी के चंस भी नज़र नहीं आ रहे। और आप ये देख रहे हैं जो झाग झाग इस पे आ रहा है, बिल्कुल ये रेडी है। ये बिल्कुल जिससे जो हमने ऐड करी है ना चीज़ें, ये बिल्कुल शैम्पू ये सारी चीज़ें सर्फ जैसी बन गई हैं। इसमें देखें, आप अपने पैर पे ऐसे करें और यूं यूं करके सॉफ्ट सॉफ्ट करके अपने पैरों की इस पे मालिश करें और हाथों की करें। पैर पे आप एक झावर टाइप भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं और वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और हाथ पे बिल्कुल आप लाइट फिंगर से आप अपनी करें। बिलीव मी, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पैर और हाथ बिल्कुल साफ़ और गोरे हो जाएंगे और नरमो मुलायम भी हो जाएंगे। और मैंने जो बोला था वीडियो के लास्ट में, जो इंपॉर्टेंट बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि इसको आपने सिर्फ और सिर्फ विंटर में यूज़ करना है, समर में यूज़ नहीं कर सकते। समर में यूज़ करेंगे तो आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे। आई होप गाइज आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।